और मेरठ में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला का शुभारंभ राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद अरुण गोविल और ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमन तोमर ने किया। कार्यशाला में सोलर पैनल लगवाने वाले लाभार्थी और अच्छा कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सुमन तोमर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत मेरठ जनपद में 1 लाख सोलर पैनल लगाए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो जल्द ही सभी के सामूहिक प्रयास से पूरा किया जाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें विशेष तौर पर यह आग्रह किया था, एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड के सिद्धांत पर हमको आगे बढ़ना चाहिए। उसी के अधीन ये पीएम सूर्य घर योजना लागू की गई है। सामान्य परिवारों को निःशुल्क तो बिजली भी मिलेगी और उनके छत के द्वारा उत्पादित बिजली ग्रिड को मिलेगी और सरकार के ऊपर व्यवहार खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो धीरे धीरे कम होगा। इस सौर ऊर्जा से 2030 तक देश में कार्बन ग्रिड जो है आधा रह जाएगा और 2070 आते आते कार्बन से मुक्ति हो जाएगी देश की। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की एक महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया गया। मैं अपने प्रशासनिक अधिकारी जिनके द्वारा आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है उनका धन्यवाद करूंगा। और आज जिले के सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, हमारे प्रधान, हमारे बीडीसी मेंबर, हमारे जिला पंचायत के सदस्य, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और प्रयास यही है कि हम लोग रूफटॉप वाला जो अपना 1 करोड़ घर की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है वो घर घर तक पहुंचाएं और लोग को उसके बारे में अवेयर करें।